अच्छा सही है। मैंने जो है क्या किया, एक टेबल बना दी और मैं इसको कॉपी सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ देखो, इसने आपको एक टेबल बना के दे दिया, सही है, सीरियल नेम और नंबर नेम और फादर नेम। अब मुझे जो है अगर HTML CSS सिर्फ करना होगा तो मुझे जो है इसके लिए अलग से TD में बॉर्डर डिफाइन करना होगा कि भाई बॉर्डर ये हो, हाइट हाइट ये हो, विड्थ ये हो। अब मैं जस्ट सिर्फ क्या करता हूँ कि यहाँ जो उसका टैग है स्टार्टिंग टैग, सही है, इसमें मैं टेबल के स्टार्टिंग टैग में सिर्फ लिखता हूँ क्लास टेबल। पहले स्टार्ट वाली टेबल में लिखता हूँ, तो ये कुछ क्लासेस आपको जबानी याद करनी होगी। ये क्लास इक्वल टू टेबल मैंने लिख दो, मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखो, इसने आपको खुद ऑटोमेटिकली जो है वो दे दिए हाइट विड्थ, और वो इसके अलावा जो है एक टेबल के शेप में शो करा दिए, सही है, कि ये मेरे पास टेबल है। स्पेसिस भी दे दी। अगर मुझे HTML CSS में करना होता तो इसके लिए मुझे एक पूरी जो है वर्क करना पड़ता, सही है। लेकिन उसने जो है, मैंने क्लास डिफाइन किया टेबल, तो उसने मुझे इस व्यू के साथ एक टेबल दे दिया। अब मैं इसको करता हूँ दूसरे क्लास, इसमें यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ टेबल, टेबल है मेरे पास। फिर उसके बाद टेबल स्ट्रेप, सी स्ट्रेप का मैं एक टेबल यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो स्ट्रेप का एक होता क्लास था, मैंने ये सेव करने के बाद दोबारा रन किया। तो अब देखो ये टेबल का किस तरह लुक मुझे देता है। यहाँ देखिए, इसने मुझे मतलब एक रो छोड़ के एक रो पे मुझे उसने कलर चेंज करके दे दिया, सी ये ग्रे करके दे दिया टेबल स्ट्रेप ने, सी। तो ये देखिए, बूट स्ट्रेप जो जो टेबल, ये बहुत यूज होता है आपके डेवलपमेंट में, सी। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए टेबल्स की बहुत ज़रूरत होती है। हर जगह अगर रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उसमें टेबल्स होते हो, फिर वो इंक्रीमेंट होती रहती है ना। तो क्योंकि आपने एक दफ़ा उसका सीरियल नंबर नेम फादर नेम डिफाइन किया, तो फिर आपको अब जैसे मुझे एक लिस्ट एक रिपोर्ट बनानी है आपके इस क्लास के स्टूडेंट्स की, तो मैं क्या करूँगा, अगर डेटाबेस से उसको उठा के लाने, तो मैंने तो ये कॉलम एक दफ़ा डिफाइन किया। अब डेटाबेस से ये रोज है वन बाय वन उठ कर आती है इस टेबल के शेप में। तो वो जब वो का एक रिपोर्ट बन जाती है जिसका फिर मैं प्रिंट ले लेता हूँ। तो इसी तरह टेबल्स की बहुत ज़रूरत होती है आपको जो है डेवलपमेंट में, तो ये टेबल्स की क्लास पे ज़्यादा वो करना है, फोकस करना है। अच्छा, ये मैंने स्ट्रेप्स के, अब मैं इसके एक और क्लास डिफाइन करता हूँ बॉर्डर का, बॉर्डर, सी। तो मैंने सिर्फ लिखा सी स्ट्रेप्स को मिटा के मैंने टेबल टेबल बॉर्डर से ये लिख के, अभी मैंने देखा ये क्लास क्या काम करती है। इसको मैं यहाँ दोबारा करता हूँ, तो क्या करे कि इसने मुझे जो है उसी लुक में दे दिया, सही है। मतलब उसके अंदर सिर्फ वो स्ट्रेप्स को हटा के बॉर्डर, सी आपने देखा ये पूरा एक बॉर्डर दे दिए, सी। उसकी लेफ्ट राइट और जितने मतलब लाइंस एक टेबल्स में आते हैं वो सारे एक शेप दे दिया। कितने मतलब एक मैंने एक सिर्फ एक क्लास डिफाइन की कि भाई टेबल टेबल माइनस बॉर्डर्स, तो उसने मुझे एक अच्छा सा लुक का एक टेबल्स बना के दे दी, सी। तो मैं इस क्लास को जहाँ जहाँ टेबल होगा, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी, मैं इसको यूज़ करूँगा, तो मेरा एक लुक, एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक जो है वो वेबसाइट पर ऑटोमेटिक डेवलप होता रहेगा। तो ये तो आपके पास टेबल के बॉर्डर्स का वो हो गया, क्लास हो गया। जो तीसरी क्लास थी हमारे पास, वो हमारे पास उसका था होवर, सही है। होवर जो है क्या काम करता है कि भाई मैं जो है सेव करता हूँ, तो रोज पे ला जाओ अपने माउस को होवर करूंगा, माउस को रखूंगा तो वो कलर चेंज करते रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ माउस रखा इस रो पे, तो उसने मुझे ग्रे करके दे दिया, रो शो कर दिया, मतलब ग्रे कलर चेंज कर दिया, सही। तो ये मेरे पास एक जो है टेबल की वो आ गई, क्लास आ गई। तो ये तो टेबल्स का हवाले से था कि बूटस्ट्रैप के टेबल्स किस तरह होते हो, किस तरह काम करते हो, उसकी क्लासेस किस तरह डिफाइन होती है, सी।
अब मैं नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करता हूँ अपने स्लाइड्स को कि और बाकी हमें किस है? अच्छा, ये हमारे पास कोई जो कंटेक्सचुअल मतलब क्लासेस है, जो मतलब टेक्स्ट चेंज करना हो, उससे कलर चेंज करना हो, तो मैं ये क्लास उसको यूजली यूज कर सकता हूँ। सेम अभी मैं इसमें यहाँ क्या करता हूँ कि इसी क्लास को मैं यहाँ से, मेरे पास जो यहाँ टाइटल था ना बूटस्ट्रैप क्लास, मैं यहाँ यूज करता हूँ इस क्लास को कि ये क्या इसका टेक्स्ट किस तरह चेंज करके दिखाएगा आपको। मैंने सक्सेस लिखा, अच्छा इसमें चेंजेस नहीं आ रही। ये जो है बूट स्टेप टेबल्स में यूज करते हैं। जिसको हम बाद में जब आगे क्लासेस यूज़ करेंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे, ये किस तरह काम करते हैं। ये जो है उसमें ज़्यादातर जो आपके पास कोई मैसेज डिलीट का शो कराना होता है या कोई भी मतलब अलर्ट कराना हो, तो ये जो है आपको उस पर काम करा के देती है सी सक्सेस और उसके लिए। तो ये तो बूट स्टेप के टेबल्स पे हमने काम किया कि किस तरह काम कर। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूँ, उसी में ये आगे के किस तरह डिफाइन किया हुआ है। सी ये बूट स्टेप के बाद मैंने कंटेनर में इसको रखा और फिर बूट स्टेप टेबल के ऊपर क्लास अप्लाई की, टेबल टेबल स्ट्रेप्स और टेबल बॉर्डर टेबल हावर, सी तीनों क्लास मैंने इसमें चार यूज कर दिए। एक तो मुझे टेबल चाहिए, टेबल स्ट्रेप उसके कलर चाहिए चेंज चाहिए, और जिसके अलावा जो है टेबल बॉर्डर भी चाहिए और टेबल हावर। अगर मैं उसके माउस पे क्लिक करूँ मतलब उसके ऊपर हावर करूँ अपने माउस को, तो मुझे टेक्स्ट चेंज करके देगा। सही, क्लास वार्निंग। अच्छा ये तो टेबल्स हो गए। अब मैंने यहाँ देखो ये जो कोड, तो उसने इस व्यू का बॉर्डर भी दे दिया, और इसके अलावा जो है मैंने आपको जो कंटेक्चुअल मतलब जो यहाँ क्लास था के एक्टिव सक्सेस इन्फो और वार्निंग और डेंजर थी, तो आपको जो है ये जो है यहाँ मतलब अगर आप इस यहाँ क्लास डिफाइन करेंगे तो आपको ये रोज उसका कलर चेंज करके दे देगा। सी कि यहाँ ये सक्सेसफुल है मतलब कोई मैसेज शो कराना हो। अब मैं यही करता हूँ, टी आर के अंदर इसको यूज करता हूँ शायद ये, मैं एक मिनट। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ क्लास डेंजर, इसने क्या किया रहा पूरी जो है इसका कलर रेड कर दिया, चेंज करके दे दिया डेंजर्स को उसमें कर दिया। सही है, अब मैं अच्छा ये इस पे टेक्स्ट पे काम नहीं करते। तो ये आपको जो है पूरी मतलब अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो या उसकी जो है मतलब डिजाइनिंग या शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना हो, तो वो आपको इनकी जो कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस है वो आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो ये तो बूट स्ट्रैप्स के टेबल्स हो गए कि बूट स्ट्रैप्स का टेबल किस तरह काम करते हैं और जो है इस पर हम किस तरह काम कर सकते हो। तो देखो ये बूट स्ट्रैप ऑटोमेटिक जो है आपके पास रिस्पॉन्सिव होता है, अगर आप इसे क्लासेस में डिफाइन करेंगे तो ये मोबाइल लुक व्यू, अगर आप उसको मोबाइल के डिजाइन व्यू से देखेंगे तो ये आपको मोबाइल के उस शेप में दिखा देगा मतलब उसमें किस तरह काम करता है उसमें वो करता है।
तो इसके बाद है बूटस्ट्रैप इमेजेस के, उसके क्लासेस क्या काम करते थे। तो बूटस्ट्रैप के क्लासेस जो है तीन मेन क्लासेस, जैसे बूट इमेज राउंडेड सी आपको राउंड करके दे देता है, मतलब जो कोने होते हैं उसको आपको थोड़ा चकोर करके दे देते हैं सी। और इमेज सर्कल जो है वो आपको क्या कर देते, पूरे सर्कल सर्कल के शेप में शो करा देते हैं। और इमेज थंब नेल जो है वो आपको मतलब एक शेड के जो उसका पिक्चर की बैकग्राउंड उसमें एक बॉर्डर बना के दे के एक शेड के शेप में जो है आपको शो करा के दे देगा। अब जिस तरह मेरे पास एक इमेज है, मैं क्या करता हूँ इसमें, अच्छा सारा जो है वो CSS HTML की तरह यूज होगा, सिर्फ जो है आपको इसकी क्लासेस यूज करनी होंगी। मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ इमेज पड़ी हुई है फोल्डर में या नहीं, नहीं हो तो मुझे उसको उठानी पर वहाँ अपने फोल्डर में रखना होगा। मैं यहाँ से, हाँ मैं बोलो, कह रहा हूँ आज यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ आज यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं डिस्कस। सॉरी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ यहीं पे आज वाइंड अप कर देते हैं। इसको वाइंड अप कर दूं अभी, जी सर, चलो बस ये इको समझ करके आप, में भी नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा फिर समझ में भी नहीं आएगा। चलो सही है। वैसे ही हम इसको टेबल्स तक ही रख लेते हैं ना, तो बूट स्ट्रैप टेबल्स तक ही रख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्लास फिर इसके और क्लासेस जो है इमेजेस और बाकी क्लासेस होंगे वो किस तरह काम करते हैं। तो ये अभी मैं आपको इसकी क्लासेस बता रहा था कि किस तरह इसकी क्लासेस डिफाइन होती है और वो किस तरह हमने डाउनलोड की और किस तरह उस पर हमने काम किया। तो इसके साथ हम इस पर एक पूरा लेआउट बनाएंगे और फिर उस पर जो है पूरे डिज़ाइन बनाएंगे। ये करने के बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करते हैं। सही, तो इसी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, सही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।